जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरफ से माजेवड़ी गेट के पास जो गिबनशाह मस्जिद है उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होके। लगभग 500 से 600 लोग मजेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे DYSP जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ PI ए डिवीज़न, बी डिवीज़न PI, PSI ए डिवीज़न, बी डिवीज़न सी डिवीज़न, LCP PSI ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलीब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने के पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। अराउंड 10:15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। इस दरमियान DYSP जूनागढ़ को इजा हुई है और PSI किंजल मारू को इजा हुई है और 2 अदर PSIs को एंड 1 आध पुलिस स्टाफ को इंजरीज हुई है। अभी सब सेफ है, अभी कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। अभी तक 174 लोग को राउंड अप किया, LCB और SOG और अलग अलग 6 टीम बनाया गया था जूनागढ़ सिटी में। कल रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन करके अभी तक 174 पीपल को हम राउंड अप किया। सर, एक बात करिए, पुलिसकर्मी का भी डेथ हुआ है, सर इसकी क्या वजह है? कोई पुलिसकर्मी का डेथ हुआ नहीं है, एक सिविलियन का डेथ हुआ है। उस आदमी को पत्थर लगने से डेथ हुआ करके अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है, बट एक बार PM रिपोर्ट आने के बाद और क्लैरिटी आएगा इसमें। जैसे पब्लिक को तितर बितर करने के लिए मैंने बोला था, पहले लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर अराउंड 5 टीयर गैस शेल्स एंड डाई मार्कर ग्रेनेड्स यूज़ कर पुलिस तरफ से यूज़ किया गए थे। सर, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? अभी पूरा जूनागढ़ शहर में पुलिस एरिया डोमिनेशन करेंगे और जितने भी पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें सारे को गिरफ्तार करने का प्रयास चालू है। जैसे मैंने बताया, अभी तक रात भर में हमने 174 शकमंद को गिरफ्तार किया, आगे और कार्यवाही चालू रहेगा। इसमें अभी वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कॉल डिटेल्स वो सब लेके, पूर्व आयोजित कावतरू है या जगह पे एग्जैक्टली, मतलब उस टाइम पे ये बनाव बना है। अगर जो भी ऐसा पुरावा मिलेगा तो डेफिनेटली जो भी इन्वॉल्व है उन सभी को अरेस्ट किया जाएगा। सामने से पेट्रोल पंप का उपयोग हुआ है इस बात? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक गाड़ी सलगाई गई थी, उस टाइम पे गाड़ी का जो पेट्रोल पाइप होता है वो निकाल दिया, निकाल के फिर गाड़ी को जलाया गया। बस को जलाने की कोई कोशिश नहीं थी, बस का कांच तोड़ा गया था, बस ड्राइवर को थोड़ा इजा हुई है। उस वक्त अंदर पैसेंजर्स थे उस वक्त बस में, उसमें से किसी को लगा? नहीं, पैसेंजर्स अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं, ड्राइवर को लगा है, बाकी पैसेंजर तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं, ना कोई सिविल में दाखिल हुआ। एक सिविलियन जैसे मैंने बताया था उसका देहांत हुआ है, वो कारण अभी हम चालू इन्वेस्टिगेशन। 3 पुलिस 2 4 व्हीलर्स को नुकसान हुई है और 1 पुलिस 2 व्हीलर को नुकसान हुई है।